बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं नबीला, नबीला हुमा फूड सीक्रेट के साथ। फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट रिक्वायर्ड रायता बनाएंगे, जो कि आप पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, कबाब वगैरह के साथ, इवन के आप हर उस डिश के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाती। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बोल लिया और इसमें हम ये डाल देंगे, ये दही है हमारे पास। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले ये मैंने दही लिया, इसमें एक पाव दही है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये डाल लूँगी, ये 1/4 जो है सुर्ख मिर्च है, ये ज़ीरा इसी तरह, और ये हरी मिर्च है बारीक कटिंग में, और ये नमक जो है ये 1/2 टीस्पून है। ठीक है, ये कर लेंगे। ये इसमें ये ज़ीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, और अब इसमें ये डाल देंगे नमक और ये सुर्ख मिर्च, और ये साथ में थोड़ी सी ये मैंने पुदीना और हरा धनिया का ये चॉप कर लें, ज़्यादा चॉप कर लें, मैंने करके रखा हुआ था, ये डाल दिया। और अब हम जो इसमें डालेंगे, ये पुदीना है कटिंग में, ये डाल दिया, और इधर ये हरा धनिया, ये डाल दिया, ये सेब, सेब डाल दिया, इस तरह 1 टेबल स्पून। आप ये सारी चीज़ें भर के कर लें, इसकी क्वांटिटी जो है हर चीज़ की 1 टेबल स्पून, और टमाटर इसमें डाल दिए, ये चॉप जो है ये ऑनियन गया इसमें, और फिर इधर डाल देंगे ये गाजर डाल दी हमने, और ये गया इसमें खीरा, इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और इसे कर लेते हैं, सजा भी लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की यूनिक, मज़ेदार और बजट में आसान रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, ये देख लें, 5 मिनट की रेसिपी है, और मैंने यानी इसमें कोई टाइम नहीं लगा, और ये बहुत सी डिशेस के लिए, पुलाव, बिरयानी, और ये कबाब वगैरह के साथ, इवन हर डिश के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा इसे लाइक और शेयर भी करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार, यूनिक और बजट में आसान रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। और ये आप इसे जैसे पार्टी मेन्यू है आपके पास, और इसमें टाइम भी काफ़ी होता है, यूज़ होता है, तो आप इसे सुबह के टाइम भी बना के रख सकते हैं। और उसके लिए टिप ये है कि आप इसमें सारी चीज़ें डाल दें सिवाय नमक के। नमक जो है पहले डालने से अपना जायका बीच में छोड़ेगा, चीज़ों ये इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी शक्ल बदलेगी, और एंड में जो है इसकी टोटली शक्ल बदल जाएगी। और अगर नमक नहीं डालेंगे तो आप बाद में उस वक्त इस्तेमाल करने से पहले डालेंगे थोड़ी देर पहले, तो आपको ऐसे ही ये मिलेगा जैसे आपने अभी उसी टाइम बनाया हो। तो ये थी आज की टिप, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें अगली रेसिपी तक। अल्लाह हाफिज़।